हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपके जीवन में प्रसन्नता विद्यमान रहे, आपके जीवन में सुख का वास हो, आपका जीवन परमात्मिक कार्यों की तरफ उन्मुक्त रहे और आप हमेशा अच्छे मार्गों पर अच्छे कार्यों में संलिप्त रहें, यही हमारी सदिच्छा है, यही हमारी शुभकामना है। आपने पूछा है कि हम ज्योत लगाते हैं और ज्योत में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो क्या उस ज्योत पर हम त्राटक विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? शायद काफी लंबे समय से आप कर भी रहे हैं। अपना नाम ना देने के उल्लेख के साथ आपने प्रश्न भेजा है, तो ठीक है, साधना के पथ पर आप हैं, साधना के मार्ग पर आप हैं, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र में और त्राटक में, दोनों में अलग अलग तरह की शक्तियों का एक आधान होता है। जब हम त्राटक की बात करते हैं तो उसमें अंततः भगवान विष्णु या और भी आगे चले जाए तो भगवान सूर्य से संबंधित चीजों को कर रहे होते हैं, जो हमारी आत्मा के परिष्कार का कार्य करता है और आत्मा के परिष्कार से संबंधित चीजों का ही उससे गहरा जुड़ाव होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिद्ध कुंज का स्तोत्र की, तो यह मातृसत्ता और जो हमारी शक्ति है उसके आधान का एक विधान है। तो त्राटक में अंततः आप भगवान विष्णु और सूर्य को ही अवलंबित होते हैं, और आत्मा के परिष्कार में, आपके ओरा की क्लीनिंग में और जीवन के विस्तार में त्राटक की विधियां बहुत गहनतम ढंग से कार्य करती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जो ज्योत है वो किसी प्रकार से भी स्पंदित ना हो रही हो, हिल नहीं रही हो, बहुत ज्यादा ढावाडोल ना हो। तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि जहां त्राटक की विधियों को हम करते हैं, शुद्ध गौ घृत के दीपक पर ही त्राटक की विधियों को करना चाहिए। मोमबत्ती पर जो त्राटक के प्रयोग लोग करते हैं वो ठीक नहीं होते, वो किसी न किसी रोग को पैदा करते हैं और अंततः आपके लिए लंग्स से संबंधित और बाकी चीजों की बीमारियां भी पैदा करते हैं। और चूंकि वैक्स है, वो एक वेस्टेज ऑफ बी है, मतलब वो एक मधुमक्खियों का ऐसा पदार्थ है जो उनका एक तरह से विष्ठा है, तो उससे उसकी ज्योत पर जब आप करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते, तो ये हमें देखना चाहिए। और तेलों को उससे भी बचना चाहिए, जैसे सरसों का तेल या तिल का तेल, इससे भी बचना चाहिए। शुद्ध गौ घृत में बहुत अच्छा रहता है, या फिर आप बादाम के तेल के दिए पर भी कर सकते हैं। ऐसे स्थान को चुनें जहां पंखे ना हो, कूलर ना हो, क्योंकि वो जो हवा का वेग है वो उसको हिलाएगा, तो उसमें जो बाद के चीजें हैं उनका हम ख्याल कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आप ख्याल कर लें, ये देख लें। लेकिन सिद्ध कुंजिका के पाठ के साथ साथ आप जिस तरह से त्राटक कर रहे हैं वो विधि बहुत समीचीन नहीं है, उसके कई बार कुछ ना कुछ हमें दोष भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जिन विधियों को करें थोड़ा संरक्षण में और मार्गदर्शन में करें और ठीक से सोच समझ करके करें, तो उनसे शुभत्व का उदय होता है, वो किसी न किसी रूप में आपके लिए अच्छी ही रहती हैं, आपके लिए बेहतर मार्ग का ही उदय करती हैं। ये भी ख्याल में ले लेंगे तो अच्छा होगा। तो ठीक विधि पर चलें तो ठीक काम करती है। त्राटक की विधियों में प्राय कोशिश ये करनी चाहिए कि गुरु के संरक्षण में प्राथमिक विधियों को कर लें। जब बेसिक्स क्लियर हो जाए फिर आप एडवांस चीजें अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। तो हमारे कुछ वर्कशॉप्स हम शुरू करने वाले हैं, पहले हम करते भी रहे हैं, कुछ समय से रोक रखी हैं, तो उसमें हम फिर से कुछ ऐसी विधियों की बात करेंगे, उनके अभ्यास का प्रारंभ करेंगे, कुछ लोगों का ग्रुप बना करके उनको इस तरह की चीजों को सामूहिक रूप से कराएंगे, तो उसमें उनके गुण दोष भी सामने सामने परिलक्षित होंगे, कोई गलतियां होंगी तो भी सामने आ जाएंगे, फिर उसको ठीक से कर भी पाएंगे। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं अरमस्तु।